वेलकम 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 स्वागत है आप सभी का टू दिस प्यारी प्यारी रिवीजन ऑफ एसे टू थर्टी एसे टू थर्टी किसकी बात करता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की हमने कैसे याद किया था सर जो तीस तारीख होती है तीस तारीख को क्या याद देती है प्लानिंग की जाती है तभी तीस वाली जो ऐसे है तीस जीरो इसका नाम क्या है ऑडिट प्लानिंग और तीस तारीख को कितने लोग साथ में बैठ के प्लानिंग करते हैं मम्मी पापा दो लोग तो 230 क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन यानी जो भी प्लान बनाया उसको डॉक्यूमेंट कर लेना तो ऐसे 230 थर्टी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करके हम याद करेंगे अब सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है क्या कुछ नहीं है जो भी आपने ऑडिट में किया उसको बस रिकॉर्ड कर दो जस्ट रिकॉर्डेड दैट्स इट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मतलब जो ऑडिट की साइकिल थी प्रोसीजर्स परफॉर्मड एविडेंस ऑबटेन कंक्लूजन रीच जस्ट रिकॉर्ड ऑफ दैट सिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म एविडेंस एंड कंक्लूजन रीस्ट इसी का नाम है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वेलकम टू दिस चैप्टर अब सर एक बात बताओ जो डॉक्यूमेंटेशन है इसमें आता क्या क्या मैंने कहा इसमें आता है ए ए सीसी ए ए सीसी ए का क्या मतलब है ए का मतलब ऑडिट प्रोग्राम जो आप इंस्ट्रक्शंस के लिए बनाते हो दूसरे अगर आपने कोई एनालिसिस वगैरह करे हो तो वो भी इसमें आ जाएंगे प्लस ऑडिट प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या था चेकलिस्ट वो भी इसमें आ जाएगा अगर आपकी मैनेजमेंट से कोई बातें हुई हैं, कोई हुई है यानी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस विद्ल्यू जी वो इसमें आ जाएंगे प्लस अगर आपने कोई कंफर्मेशन लिया फ्रॉम द थर्ड पार्टी वो भी इसी का पार्ट बनेगी तो ये चार पांच बातें बस आप इसमें ध्यान रख सकते हैं अब सर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर और नेचर ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मोटा माटी सेम बात करते हैं सर क्या सबसे पहले तो ये आपकी हेल्प करता है आपकी हेल्प किसमें अपनी रिपोर्टिंग करने में अपने कंक्लूजन तक पहुंचने में यानी इट एज एंड एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे आप अपनी रिपोर्टिंग करते हो ठीक है सर प्लस दूसरों के लिए एक सबूत है कि आपने अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग किया यानी इट एक्ट एज द एविडेंस दैट ऑडिट वॉज प्लैंड एंड परफॉर्म एज पर द दस ऑन ऑडिटिंग तो बस इन दोनों में यही बातें कर रखी है और कुछ भी नहीं है देन कम्स द बेस्ट टॉपिक ऑफ द डे पर्पज ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पर्पज क्या था आप जो सेविंग करते हो वो आज के लिए करते हो या कल के लिए सर कल के लिए हम भी ये डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट ऑडिट के लिए बना रहे हैं यानी हम रिटेन करेंगे जैसे आईपीएल में टीम्स करती है ना रिटेन करती है प्लेयर नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए हम भी रिटेन करेंगे हम रिटेन करेंगे रिकॉर्ड्स ऑफ मैटर्स हैविंग कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस ऐसी चीजें जो कल भी काम आ जाएंगी तो ये बात आपने ध्यान रखनी है रिटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस

दो रिव्यू पॉपअप हो गए मैंने कहा दो रिव्यू कौन से हैं एक तो हमारा वो क्यूट वाला रिव्यू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एज पर एसक्यू सी वन दूसरा नफरा एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एज पर द लॉज एंड रेगुलेशन जब ये रिव्यू होंगे और आप पकड़े जाओगे इट विल मेक यू अकाउंटेबल फॉर द वर्क सो कहीं ना कहीं याद रखना इनेबलिंग द एंगेजमेंट टीम टू बी अकाउंटेबल फॉर द वर्क तो बस आपने छह बातें ध्यान रखना जल्दी से सारे बच्चे रिकॉल कराओ क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है अच्छे से टे मैटर्स ऑफ फ्यूचर ऑडिट अब जब ऑडिट आ गया तो प्लान एंड करने में खुद नहीं करफॉर्म करेंगे एक्सटर्नल इंस्पेक्शन एंड लास्ट पॉइंट इज मेकिंग द पर्सन अकाउंटेबल फॉर द वर्क इंगेजमेंट टीम को आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो अब सर एक बात बताओ क्या जो हमें रिकॉर्ड करना है उसमें हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है यह लाइन जो है ना ऐसी की ऐसी लाइन ऐसे लिख के देगा कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर को पता चल जाए आपने काम क्या किया है तो बताओ क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे प्रोसीजर परफॉर्म एविडेंस ऑप्टेन कंक्लूजन रीच्ड क्या यहीं पर रुक जाओगे या दो बातें और बताओगे सर दो बातें और बताएंगे क्या जो मैंने आपको 10 मिनट बाद और पंद्रह मिनट बाद बताई थी सर ये दस मिनट बाद पंद्रह मिनट बाद क्या था अरे दस मिनट बाद सिग्निफिकेंट मैटर बताए थे पंद्रह मिनट बाद सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट बताई थी तो मैंने कहा सिग्निफिकेंट मैटर सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट एंड कंक्लूजन रीच तीनों की तीनों बातें आएंगी वेरी गुड राघव अब इसके बाद एक बात बताओ सर क्या जब भी आप ये रिकॉर्ड करे हो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर इसके साथ साथ क्या रिकॉर्ड करोगे क्या चेक किया किसने चेक किया किसने रिव्यू किया कम ऑन ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ तीन बातें बता देना वॉट डिड यू चेक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स विच बीन टेस्टेड हु डिड द चेकिंग हुन ही डिड द चेकिंग रिव्यू वेन ही डिड द रिव्यू एंड द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ये बेसिक बातें आप बता सकते हो अब आते हैं हमारा फेवरेट टॉपिक सर क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट मुझे बताओ इसमें से किसको एलिमिनेट करोगे फॉर्म को कंटेंट को या एक्सटेंट को जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में सारे के सारे प्यार से बताओ तीनों में से किसको उड़ाऊं फॉर्म को उड़ाऊं कंटेंट को उड़ाऊं या एक्सटेंट को उड़ाऊं सर फॉर्म को उड़ा दो कहीं ना कहीं फॉर्म को उड़ा दो कंटेंट और एक्सटेंट पे फोकस करते हैं एक्सटेंट पे डिपेंड करता है मैंने कहा सबसे पहले तो एंटिटी देखो क्या ये साइको एंटिटी है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी फिर उसके अंदर जब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी गलत जाने के चांसेस ज्यादा है यानी रिस्क ऑफ चांसेसियल स्टेटमेंट फिर मैंने आपको मिस्टेटमेंट का एक दूसरा नाम बताया था जो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कंफर्मेशन में यूज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड सो नेचर ऑफ द एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड ये आपने देख के चलना है तो साइको एंटिटी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एक्सेप्शन आइडेंटिफाइड लास्ट के पॉइंट्स क्या थे कंटेंट को लेके नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म एविडेंस एंड कंक्लूजन रीच्ड और नॉट रीच्ड दोनों को डॉक्यूमेंट करना हम प्रोसीजर कौन सी लॉजिक से करते हैं ऑडिट तो जो आपकी ऑडिट मैथोलॉजी है यह भी आपने ध्यान रख के चलनी है फिर हम आए थे ब्रेक से जस्ट पहले वाले टॉपिक पे जिसमें क्या था डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर भूल गया सर मैं तो भूल गया सर मैंने कहा सिग्निफिकेंट मैटर क्या है जहां सिग्निफिकेंट डर है जहां सिग्निफिकेंट डर है डर का मतलब क्या था सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी फिर क्या था ऑडिट रिपोर्ट ए नहीं ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर यानी जब आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करें तो आपको लगा रिस्क ज्यादा है तो यू नीड टू रिवाइज योर रिस्क एंड स टू रिस्क रिस्पॉन्स टू रिस्क मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जब आपने ए कर लिया तो आर का मतलब क्या था सिग्निफिकेंट रिस्क एंड दूसरे आर का क्या मतलब था मैंने कहा दूसरे आर का मतलब था कि जो हमारी रिपोर्ट है उसमें या तो डाकू है डाकू से डर लगता है डाकू का क्या मतलब था मैंने कहा डाकू का क्या मतलब था सर डाकू का मतलब था मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर पैर क्या चार में से चार नंबर हो गए मैंने कहा हो गए जयराम जी की अब अगले पॉइंट पे चलते हैं अगला पॉइंट क्या था सर सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट अपने चार्ट से करते ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा ठीक है सर सबसे पहला क्या था मैंने कहा हर ऑडिट समय समय पर कहता है एज अ ऑडिटर यू नीड टू कंसीडर सर्टेन फैक्टर एज अ ऑडिटर यू नीड टू कंसिडर सर्टेन मैटर्स तो मुझे बताओ जब आप वो सर्टेन फैक्टर्स कंसिडर करते हो सर्टेन मैटर्स कंसिडर करते हो तो उसके पीछे क्या रैशनल रहता है डॉक्यूमेंटेड यानी द रैशनल और लॉजिक फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन वेन द रिक्वायरमेंट स्टेट दैट ऑडिटर नीड्स टू कंसिडर सर्टेन फैक्टर्स एंड दैट रिक्वायरमेंट इज सिग्निफिकेंट अगला वाला एग्जाम्पल क्या था एग्जाम्पल से याद करो पॉइंट याद आएगा केस वाला लीगल केस वाला जिसमें प्रोविजन बना रखा था प्रोविजन क्या होता है अकाउंटिंग एस्टीमेट अकाउंटिंग एस्टीमेट में क्या लगती है सब्जेक्टिव जजमेंट तो यानी आपने अपना बेसिस बताना है किस तरीके से एज अ ऑडिटर आपने कंक्लूड किया ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ अ सब्जेक्टिव जजमेंट कि ये जो मैनेजमेंट ने सब्जेक्टिव जजमेंट बनाई है ये सही है या नहीं हाउ डिड यू कंक्लूड इट तो दैट्स व्हाट आई टॉट यू कि अगर कल को कोई प्रोविजन है कोर्ट लिटिगेशन का तो आप कैसे कंक्लूड करते हो सर लॉयर के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो देख लेते हैं प्लस कोर्ट के जो भी पेपर्स वगैरह रहेंगे कोर्ट की हियरिंग के डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो देख सकते हैं सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डॉक्यूमेंटेड एंड लास्ट पॉइंट क्या था वो था ना कुछ डॉक्यूमेंट पे शक है हाँ क्या था वो इन्वेस्टिगेशन करते थे उससे पहले क्या था सर डॉक्यूमेंट पे शक है तो हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो कैसे आपने कंक्लूड किया कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है इस डॉक्यूमेंट पे विश्वास किया जा सकता है इसको भी डॉक्यूमेंट करो यानी ऑडिटर्स बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन सेम पार्ट है वही अपने अभिषेक साथ जोड़ना है बेसिस फॉर द ऑडिटर्स कंक्लूजन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट जब आपने इन्वेस्टिगेशन करी क्योंकि आपको शक था यानी यू हैड अ सस्पिशन अबाउट द डॉक्यूमेंट क्लियर है क्लियर है सर अब आ जाओ ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद हमने क्या करें एकदम छोटे-छोटे टॉपिक्स क्या था एक समरी था समरी का दूसरा नाम मेमोरेंडम कंप्लीशन मेमोरेंडम इसमें हम समरी किसकी रखते हैं पहले बताओ क्या है फिर इसके तीन बेनिफिट सबसे पहले समरी ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड हाउ देवर रिजोल्व इसी के ऊपर हमने टेस्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग किया था हाँ. का पहला क्वेश्चन भी इसी पे था फिर इसके बाद आप बताओ इसके बेनिफिट्स क्या थे सर आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स है तो आप उसको कंसिडर कर पाओगे तो यह पता चल जाएगा क्या कोई इंडिविजुअल ऐसे का ऑब्जेक्टिव है जो आपको अचीव ना होने से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा ये लास्ट पॉइंट था प्लस किसी रिव्यूअर के काम आ जाएंगी ये चीजें क्योंकि वो अपना रिव्यू इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर पाएगा तो दो बेनिफिट आपके लिए एक बेनिफिट रिव्यूअर के लिए कम ऑन दो बेनिफिट आपके लिए एक बेनिफिट रिव्यूअर के लिए फिर मैंने बोला था ऑडिट फाइल देखने में नया टॉपिक बट है क्या कुछ नहीं जो आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को असेंबल करके एक फोल्डर में डालते हो उसी फोल्डर को ऑडिट फाइल बोला जाता है तो ऑडिट फाइल इज नथिंग बट अ फोल्डर या कोई ऑनलाइन पोर्टल जो कि इलेक्ट्रॉनिक है या फिजिकल है जहां पे आप क्या करते हो अपनी सारी रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को साथ लाते हो विच कंटेन द द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दैट्स 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 इट 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 इसके बाद मैंने बोला आपने इस अच्छा जब हम ऑडिट फाइलिंग कर रहे हैं असेंबल कर रहे हैं क्या मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूं नहीं क्या मैं कोई नया एविडेंस कलेक्ट कर सकता हूं नहीं क्या मैं जो एविडेंस ऑलरेडी है उस पर कोई नया कंक्लूजन निकाल सकता हूं नहीं ऑडिट का कोई कार्य नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की एक्टिविटीज कर सकते हो क्या कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर नेचर चार एडमिनिस्ट्रेटिव की चीजें बताओ सर जो भी मेरी ऑडिट फाइल होगी उसकी साइज ज्यादा होगी तो उसके लिए मुझे क्या लगेगी एस एस डी एस एस डी स्क्वायर का क्या मतलब था सॉर्टिंग साइनिंग डिलीटिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द एविडेंस ऑलरेडी कलेक्टेड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्लासिक क्लासिक सर अब ये असेंबली कब तक कंप्लीट करनी है ऑडिट रिपोर्ट के साठ दिन के अंदर अंदर जो असेंबल हो जाएगा उसको कब तक रिटेन करना है 7 साल तक रिटेन करके चलना है उससे पहले डिलीट मत कर देना 7 साल से पहले डिलीट मत कर देना चुपचाप संभाल के रखना एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी है सब आपका है ऐसा मत बोल देना किसकी है मैंने कहा माय डॉक्यूमेंटेशन इज माय वर्क यानी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर अगर वो चाहे यानी मे एट हिस्स डिस्क्रिप्शन उसकी मर्जी है ही मे मेक द सर्टन पोर्शन एक्सट्रैक्ट अवेलेबल टू द क्लाइंट प्रोवाइडेड दो चीजें ना हो कल को आके कोई उस पर लालचन लगा दे कि तुमने ऑर्डर ठीक से नहीं कियाडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म और इन केस ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट अफेक्ट हिस्स इंडिपेंडेंस हम भी हो गए सर इंडिपेंडेंट बारह मिनट आठ सेकेंड ऐसे टू थर्टी सारे बच्चे चैट बॉक्स में डन डना डन डन सो रिमेंबर दिस थिंग ऐसे टू थर्टी क्या सर एक स्मॉल सा ऐसे ऐसे ही स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ सक्सेस इज द सम ऑफ़ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट रोज जो आप ये मेहनत कर रहे हो यही आपको सक्सेसफुल बनाएगी ठीक है ठीक है सर दैट्स ऑल फॉर टुडे दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ यू ही खुशी खुशी मन लगा के पढ़ते रहे खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ऑडिट awesome के फिर मिलेंगे चलते चलते इंजॉय करो